धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जद पीर दे दर्शन पाले ने हुण होर किसे था जाना की जद पीर दे दर्शन पाले ने हुण होर किसे था जाना की। जद पीर दे दर्शन पाले ने हुण होर किसे था जाना की। जद डिग पए इस दे चरना च डिग पए इस दे चरना च हुण होर था सीस चुकाना की। जद पीर दे दर्शन पाले ने
हो दुनिया मेरी अमीर गई। जब पीर दी मिल जागीर गई, हो दुनिया मेरी अमीर गई, अमीर गई। जद ताज महल विच बैठ गए, ताज महल विच बैठ गए, फिर कुली दे विच जाना की। खुशियां दूर नहीं, तू रहना हुण रंजूर नहीं। हुण प्रेमियां खुशियां दूर नहीं, तू रहना हुण रंजूर नहीं। हथ शासत नाम जीदा तेरे सिर ते, हथ शामस्तान जीदा, हुण दुखा नेड़े आना की। जद पीर दे दर्शन पा लेने, हुण होर किसे थां जाना की। जदिटिकी पैसी दे चरना च, जदिटिकी पैसी दे चरना च, हुण होर थसीस चुकाना की। जद पीर दे दर्शन पा लेने, हुण होर किसे जाना की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम चर्चा टीम के सेवादार प्रेमी सुनील इंसा, पूज्य हजूर पिताजी की पश्चिम बंगाल की जो रूहानी जीवो उद्धार यात्रा है उसकी कुछ बातें सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी बोलने की ताकत देना। पिताजी, हम मारवाड़ी समिति में अपने प्रोग्राम के लिए एक यंग एज लड़के को इनवाइट किया। पहले तो वो कहने लगा कि भाई मेरे पास समय नहीं है आने का, लेकिन जब आपने अपने पूज्य श्री चरण मारवाड़ी समूह समिति में डाले तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने बड़े ही ध्यान से आपके पूरे प्रोग्राम प्रवचनों को सुना और सुनने के बाद वो हमारी नाम चर्चा टीम से मिला। वो कहने लगा, भाई अगर मैं आज ये प्रोग्राम मिस कर देता तो पता नहीं अपने जीवन क्या क्या खो देता। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो पूज्य गुरुजियों के इस पावन प्रोग्राम में आने का मौका मिला, और मैं और लोगों को भी जाकर बोलूँगा कि जो नहीं आए मैं जानता हूँ उन्होंने क्या खो दिया, और जो आए हैं पता नहीं उन्होंने क्या पा लिया। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। पूज्य पिताजी, हम अखबारों में पंपलेट डलवाने के लिए गए हुए थे तो वहाँ पर पीछे दो यंग एज लड़के खड़े थे। वो कहने लगे, भाई आप भी पूज्य पिताजियों के साथ आए हो? तो हमने कहा, भाई हाँ। कहता, भाई इस बाबा ने तो पूरे शहर को दीवाना बना दिया और मैं भी इसका दीवाना हो गया। तो पिताजी, एक बार आप
अपने रूहानी सफर में तेंजिंग रोग पर गए हुए थे, तो आपने उधर अपने भक्तों को जाकर निहाल किया, तो एक भाई हमारे से मिला, कहता कुछ लोगों ने बोला कि भाई हरियाणा से गुरुजी आए हैं, तो मैं भी दर्शन करने के लिए चला गया। लेकिन मैंने जब जाकर देखा तो बाबा जियों ने स्पोर्ट्स ड्रेस डाल रखी थी। मेरे मन में कुछ शंका हुई, लेकिन चेहरे के नूर से मेरे को मजा भी आ रहा था, तो मैं प्रोग्राम सुनने के लिए जब मारवाड़ी समिति पहुंचा और गुरुजियों के वचनों को सुना, मैंने कहा यस, ये होता है बाबा, इसका नाम है बाबा। पूज्य पिताजी, आप ड्रैगन मार्केट में अपने पवित्र चरण डाले तो वहां पर एक शूज की दुकान वाला हमारे से मिला। हमने उससे पूछा, भाई आपको कैसा लगा जब पूज्य पिताजी आपकी शॉप पर आए? वो कहने लगा, भाई मैं बता नहीं सकता, इतनी शॉप है, इतनी शॉपों को छोड़कर पिताजी मेरी शॉप पर आए, जरूर कोई मेरे बड़े भाग होंगे। जब गुरुजी दुकान के अंदर आए तो हमारे यहाँ सभी लोग बाबा बोलते हैं, लेकिन मेरे मुख से बाबा नहीं निकला। मैंने कहा पिताजी आओ बैठ जाओ, और ये शब्द कहकर मेरे को इतना परम आनंद आया कि मैं अपने आप को एक बार और पिताजी कहने से रोक नहीं पाया। मैंने दोबारा बोला पिताजी बैठ जाओ, तो पिताजी मेरे पास लगभग एक घंटा बैठे रहे और बातें की। तो वो बाद में बोलने लगा, भैया अब हम गुरुजियों को ज्यादा देर तक हरियाणा में नहीं रहने देंगे, अब तो वो भी हमारे पिताजी हो गए, हम भी उनको जल्दी जल्दी बुलाया करेंगे। और पिताजी, गुड़गांव की तीन लड़कियां थी, वो हमारे को लीबोंग में मिली, वो नौवीं क्लास की लड़कियां थी और तीनों लड़कियां सिगरेट पीने लग रही। तो हमने बोला भाई दीदी जी आप आओ, गुरुजियों का प्रोग्राम सुनो। तो कहने लगी, भाई हम तो इतना नशा करते हैं, क्या गुरुजी हमारे नशे छुड़ा देंगे? तो हमने कहा भाई पूज्य गुरुजियों ने तो 70-70 नोड फोडविन के इंजेक्शन लेने वालों के छुड़ा दिए, आप तो बात ही कुछ भी नहीं आपकी। तो पूज्य पिताजी वो तीनों लड़कियां आई और आपसे गुरु मंत्र लिया। धन धन सतगुरु तेरे यार, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सुखदेव सिंह जी इंसा पूजा गुरु जी की इस रूहानी यात्रा के बारे में कुछ और बातें सुनाएंगे, और इनके बाद प्रेमी सतवीर सिंह जी इंसा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी बोलने की हिम्मत देना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जब हम उसकी दुकान पे गए तो जब हमने अपनी मानवता भलाई वाली बुक पुस्तक दिखाई तो उसने कहा कि गुरुजी तो गुरुजी ही हैं, गुरुजी तो भगवान हैं। इसफाक अहमद चौरस्ता ने बताया कि गुरुजी ने जिस आधार पर बातें बताई हैं अगर हम उस पर चलें तो कोई कमी नहीं रहेगी। जिस दिन चौरस्ता में सत्संग हुआ सभी लोगों की यही तमन्ना थी कि आज बरसात ना हो, क्योंकि वहां डेली बरसात होती थी। जब गुरुजी ने चादर ओढ़कर नाम दिया तो ओपन में नाम दिया, स्टेज बहुत ऊंची थी और पर्दे बहुत नीचे थे, तो गुरुजी की दृष्टि सारे शहर पर पड़ी और सारे शहर को नाम दे दिया। इस खुशी में शाही परिवार ने पार्टी दी जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान थे। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पवन अग्रवाल ने बताया कि जब पहले टोहाने जी मिले तो उन्होंने कहा कि छोटा सा एक प्रोग्राम यहां रख लें, तो हमने सोचा पता नहीं कितने पैसे खर्च होंगे, तो टोहाना जी ने कहा कि सारा खर्चा दरबार का होगा, जब प्रोग्राम हुआ तो बढ़िया हुआ। और आगे उसने ये बताया कि आगे प्रोग्राम जल्दी रखें और हमें पहले बता दें तो पब्लिक इतना फायदा उठाएगी और इसका बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और उसने पिताजी हमें ग्राउंड भी काफी दिखाए हैं, शाबू भट्ट
एक शहर से मतलब वो मिला, उसने अपनी वर्डिंग लिखी है, वी हैव ग्रेट प्लेयर, वी हैव ग्रेट प्लेयर दैट यू हैव विजिट अवर सिटी, वी विश दैट यू केम अगेन एंड अगेन टू अवर प्लेस, वी वुड बी ग्रेटफुल, इट इज ऑलवेज नाइस टू सी यू इन अवर सिटी। एक हबीब मुल्लिक चौरास्ता में उसने लिखा कि बाबा जी प्रवचन इज वेरी अनलाइटिंग टीचर्स ट्रुथ पीस एंड लव फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, वी नीड गुरु जी लाइक हिम मोर इन दिस ट्रबल्ड वर्ल्ड इन नाउ इट इज। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी उन्होंने बताया कि हमारे शहर में काफी सालों से अशांत था, शांति की कोई बात असफल हो जाती, सभी लोग हड़ताल बंदी से परेशान थे, लेकिन मैं जैसे ही सतगुरु राम रहीम सिंह जी यहां पधारे हमारे शहर में, उसी वक्त के बाद शांति की बाजार बहने लगी और समझौते की तरफ आसार होने लगे और व्यापार व्यवसाय अच्छा चलने लगा, टूरिस्ट भी बहुत आए। ये सब बाबा का ही प्रताप है। जय हो बाबा की। आप हमेशा हमारे शहर में कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय बाबा की। पिताजी एक जगह भाई राजन कपूर जी ने बताया कि जब मैं छोटा था कि मेरी मां शरीर पूरा कर गई, राजन कपूर कहता कि मैं अपनी मां के लिए बहुत तड़पता रहता था, कभी याद नहीं भूलती थी। बाबा जी हमारे शहर में आए, वह प्रशंसा सुनी, मैं भी गुरु जी के दर्शन करने चला गया और गुरु जी से गुरु मंत्र सुना। मैं जब गुरु मंत्र जपने लगा तो पहले घने बादल दिखाई दिए, वह उनके बीच में मेरी मां के दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हुआ और सोचा कि जिसके लिए मैं तड़पता मेरी मां मिल गई, अब मैं पूरी जिंदगी गुरु जी के लिए तड़पूंगा। पिताजी आगे अस्पाक अहमद चौरस्ता से बताते हैं कि बाबा जी का प्रवचन सुनकर मन बहुत खुश हुआ, जो वचन यहां बोले वो वचन ऊपर भी हो रहे हैं, ये सारी दुनिया के मालिक हैं, हमें ऐसा एहसास अंदर से हो रहा है। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मालिक की प्यारी सत्संग जीव, हम तो भाई खाकसार हैं, सबके चौकीदार हैं, करने वाला अल्लाह मौला सदगुरु दाता है। और वहां पे बंगाल में, इस बंगाल में जहां जहां भी सत्संग हुई, बेपरवाह जी का रहमो करम बरसते देखा, उनकी रहमत अल्लाह ताला वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की अपने आप में कहने सुनने से परे। आदमी तो आदमी, वहां के पशु पक्षी भी मालिक के नाम पे नाचते देखे। ये हमारा कोई जादू नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है, पर वो सबसे बड़ा जादूगर ऊपर बैठा है, आपके अंदर बैठा है, हर जगह बैठा है। तो उसी की चर्चा में एक बात ख्याल में आई। हम एक बार, काफी ऊंची जगह थी उनकी, उस जगह पे बैठे, एक अलग सी जगह बनी हुई थी, तो साथ में बेटे बेटियां जो भी सेवादार भी थे सभी लोग हम बैठे हुए थे ऊपर। शाम का समय था शायद, तो जैसे हम
ऊपर बैठे एक बंदर की आवाज आई, वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो वो होटल वाले भी कहने लगे जी हाँ रुके थे एक जगह, तो वो भी बोलने लगे गुरुजी ये आवाज हमने कहा बेटा ये कोई बीमार है इसलिए रो रहा है। हमने केले मंगाए उनसे, काफी बंदर थे वहां, तो उसको आवाज दी उसने, वो जैसी आवाज में बोल रहे मैं हाँ आ जाओ ऊपर। तो वो अपने उसका एक छोटा सा बच्चा था उस बंदरिया का, तो वो अपनी छाती से लगा के और हमारे पास दौड़ी चली आई, बाकी बंदर वहीं बैठे रहे। और हमने उसे केला दिया, हमारे पास बैठ के केला खा गई। अब जब एक ने केला खा लिया तो बाकी सारे बैठे थे बंदर, तो फिर आप जानते ही हैं उन्होंने जो मारी छलांगे तो सारे आ गए ऊपर। तो सेवादार जिसके पास केले थे वो कांपने लगा भी इतने आ गए ये, तो वो जो होटल वाले थे वो सज्जन भी भाग लिए गए ये तो बहुत ज्यादा आ गए। मैंने कहा आगे तो क्या शेर आ गए, आने दो आगे। तो आ गए वो चारों तरफ आके बैठ गए, तो हमने उनको केले देने शुरू कर दिए। तो जो केला खाएं बस वो तो वो बीमार को केला ना खाने दे, एक तो वो खा गई। तो हमने कहा तू एक साइड में चली जा। तो ये मालिक जाने कैसे भाषा समझते हैं पशु पक्षी, वो सतगुरु की समझते हैं, हम तो क्या चीज है। तो वो अपना बच्चा लेके उन सब मोटे ताजे बंदर थे बहुत हटे कटे, तो उन सब से दूर एक साइड में चली गई। तो हमने फटाफट फटाफट उन बंदरों को केले दिए और एक केला उछाल के उसकी तरफ फेंका, तो उसने वो उठा के खा लिया। जब तक मोटे ताजे बंदर उसके पास पहुंचे वो खा चुकी थी, छिलका दे दिया कि ले लो। तो ये दिन गुजरा, केले वगैरह ले लिए। अगले दिन हम गए ही नहीं, हम और जगह चले गए, तो वहां बहुत बंदर इकट्ठे हो गए। होटल वाले कहते गुरु जी आप आए नहीं आज, और ये तो इतने इकट्ठे हुए कि वो तो तैयार बैठे थे कि कब वो आए और कब, जब भी हम कहीं भी जाएं तो वो देखे भी हैं मुझे केला देंगे क्या। हमने कहा सुखे है कि रोज देना, आपको एक बार दे दिया बहुत है। तो उसी अगले दिन शाम को हम वैसे ही बच्चे कहने लगे हमने चाय वगैरह लेनी है, वहां गए तो बैठ गए, तो वही बंदरिया फिर रोती हुई आवाज सी दी उसने, जैसे उसको मालूम हो गया हो कि मालिक का नाम भी कोई चीज है। उसने आवाज सी दी, हमने भी कहा आ जा फिर, तो चली आई अपने बच्चे को लेके। बाकी बंदरों को पता ही नहीं चला क्योंकि हम नीचे बैठे थे। तो आ गई वो, नीचे से आई, सबके बीच में से आई, केला लिया खा लिया आराम से हमारे पास बैठ के। और ये मूवी वालों ने मूवी मावी भी बनाई, फोटो वगैरह खींची उसकी। तो वो आराम से केला ले लिया और दूसरा केला लिया, हमने कहा भाग जा, तो वो लेके केला भाग गई और जाके दूर जाके खाया, पेट पे मारा हाथ, छिलका बंदरों की तरफ फेंक दिया कि लो मैं तो खा लिया। सो ये उस बेपरवाही का रहमो करम है, वरना पशुओं को ऐसे मालूम हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो कह रहे थे जी ये पशु बड़े खतरनाक भी हैं, सामान खोस लेते हैं, ये पीछे पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा बंदर थे वहां चारों तरफ, ऊपर एक मंदिर था महाकाल का मंदिर था वहां, तो चारों लोग वहां जाते थे और इतने बंदर थे और इतने मोटे ताजे कि शायद आदमी का बच्चा मोटा कोई हो, इतने मोटे मोटे बंदर थे, बड़े बड़े हाथ। तो हम वहां भी चले गए, तो वो बेचारे पुजारी आंखों में आंसू भर आए, कहने लगे हमने कहा कि गुरुजी हमारे पास तो नहीं आ सकते। हमने कहा क्यों, कहते हम तड़प बहुत रहे थे कि एक बार आ जाओ बस एक बार आ जाओ। तो शाम का समय था, हम उनके पास जा पहुंचे, प्रसाद दिया और वहां बंदर जो घूम रहे थे वो देखे कि हमें, हमने कहा भाई आपको भी देंगे। तो कहने का मतलब उस सदगुरु का रहमो करम, उसकी दया में रहमत पत्ते पत्ते पे कैसे बरस रही है, ये आंखों से दिखता है। जानवर देख लेते हैं पर कई बार जानवर से बदतर हुआ आदमी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे काल की मोहरें लगी होती हैं कानों पे, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। राम की नाम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, अरे सारे धर्म हमने पढ़े हैं। किसी धर्म में लड़ाई करना, नफरत करना, चुगली निंदा करना, ठगी मारना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार से पैसे कमाना या रिश्वत लेना, किसी की जेब काटना, किसी का हक मार के खाना, गरीब को दबाना और गरीब का खाना छीन लेना, गालियां देना, किसी भी धर्म में लिखा नहीं और मना है 100% कि ये गुनाह है, ये पाप है। नशे करना, मांस अंडा खाना,
बुराइयां की तरफ लगे रहना, तो ये सारे धर्मों में मना है। लेकिन फिर भी धर्मों के लोग आप देखो, शाम को ठेके की तरफ जाके देखो, शराब का ठेका, पोस्ट डोडा अफीम का ठेका, वहां पे लाइन लगी होती है और बाहर से सभी धर्मों के लोग दिखते हैं। मानते तो कहां है, मानने वाले हों तो फिर तो कहने ही क्या है, पर उनका हाव भाव चेहरा ऐसे लगता है कि ये फलां धर्म का आदमी है, लेकिन लाइन पे लगे होते हैं। जैसे आपको कई बार बात सुनाई, राजस्थान साइड में जहां जन्म हमारा सदगुरु ने किया, तो एक जगह हम आप गाड़ी लेके जा रहे थे, वैसे ही रुक गए और देखा कि शराब का ठेका है, सामने गाड़ी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पवित्र वचन, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हमने कहा है गाड़ी पे इतना सुंदर दोहा लिखा है और खड़ी है शराब के ठेके के आगे, चलो लाण तो डाल के आए। हम डरा डोरा नहीं करते थे, सतगुरु जानते हैं वो ताकत देते थे, तो अच्छी गाड़ी थी, हम चले गए अंदर। हमने कहा इसका मालिक कौन है, तो अच्छी दाढ़ी अच्छी पगड़ी मूंछों को ऐंठता शराब की बदबू छोड़ता हुआ बोला, मैं हूं इसका मालिक। हमने कहा गाड़ी पे बड़ा सुंदर लिखा है भाई। कहता हाँ गुरुओं के पवित्र वचन है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। तो हमने कहा फिर तू ठेके जी क्यों बढ़िया खड़े, सामने वचन लिख रखे हैं, शर्म नहीं आती तुझे? कहता ढीठ होते हैं, बेशर्म होते हैं लोग ऐसे। कहता वो बाबे वाली खुमारी पता नहीं कदों चढ़ूगी, इधर 10 रुपया का पौआ या आधिया लेके मारूंगा अंदर, ते काटो फुला दे खेडूगी। असि के पुत काटो यह जी बीमार होगी मुड़के उठा भी नहीं जाना, गुरु वाली पीएगा तो दोनों जहाना च मौज मस्ती नाल नचता फिरेगा। सो लोग इतने ढीठ इतने बेशर्म हैं, धर्मों का नकाब, सारा कुछ धर्मों का पहना होता है, अंदर के काले होते हैं। ज्यादातर लोगों को हमने देखा सभी धर्मों में दिखावा ज्यादा है, मानने वाला कोई कोई है। और जो धर्म को मानता है, हम गारंटी देते हैं सारे धर्मों वाले एक मिनट अभी धर्मों को मानना शुरू कर दें, अगले मिनट इस धरती पे स्वर्ग बन जाएगा, जन्नत बन जाएगा और सचखंड का नमूना नजर आएगा। हम गारंटी लिख के दे सकते हैं, इससे बड़ी बात ही नहीं। कहते जी हम गुरु को मानते हैं, हम पैगंबर को मानते हैं। हमने कहा वाकई आप गुरुओं को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं, लेकिन उनके वचनों को नहीं मानते हैं। सिर्फ मानना यूं यूं करने से तो कुछ नहीं होता, जब तक उनके वचनों पे अमल नहीं करोगे तो थोथा चना बाजे घना। खाली जड़े चने हुंदे है उन्हां दी आवाज ज्यादा हुंदी है, राजस्थान च आम चने हुआ करते, तो चनों को उड़ाते, जिसकी आवाज घुंघरू की तरह होती है टप टप टप, वो आवाज खाली होती है, और जो भरे होते हैं वो घुंघरू से भी मीठी आवाज निकालते हैं, और जो खाली होते हैं उनको ऐसे ऐसे उछाड़ो आपस में टकराते हैं ठप ठप, तो थोथा चना बाजे घना, उनकी आवाज ज्यादा निकलती रहती है। तो इसी तरह भाई आज थोथे चने ज्यादा हैं, कहीं भरे चने हो जाएं तो सारी दुनिया मालिक की दया में रहमत से भरपूर हो जाए, घर घर में खुशियां जरूर हो जाएं। तो यही मालिक से दुआ है कि हर किसी के घर में खुशियां हों।